ग्राम सिमरी डुमरी पंचायत रुपलिया जो गांव प्रखंड कार्यालय गौनाहा का निवेश एरिया है। इस पंचायत में मात्र एक ही मध्य विद्यालय है जिसमें शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू होने के बाद भी जिस पर अमलीकरण का काम 2014 से शुरू किया गया। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 365 है पर शिक्षकों की संख्या बहुत कम है इसलिए बच्चों की गुणवत्ता में कमी आ रही है। मैं तंजू ए मेरी समुदाय इसमें कितने टीचर हैं? 60 टीचर हैं। सात टीचर से क्या पढ़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती। बच्चे क्या प्रभाव पड़ता है? मास्टर नहीं है इसीलिए पढ़ाई नहीं होता है। जैसे 7 टीचर हैं क्या अभी पढ़ने में आप लोग की दिक्कत होती है? जी सब क्लास में अपने टीचर की अभी तो पढ़ने में दिक्कत होती है। शिक्षक ने बच्चा से उसी तरह खेलता है घूमता है सब पढ़ता नहीं है। टीचर का तो बहुत कमी है आज जो भी टीचर भी है वो भी अच्छा से पढ़ा नहीं पाते हैं। यहाँ पर शौचालय है? जी चालू रहता है? जी एक बंद है एक चालू है। चालू है तो गंदा है बहुत। कहाँ जाती हो शौच करने? बाहर जाते हैं। बाहर? बाहर जाने जाने में पब्लिक परेशानी होती है? जी क्योंकि उधर आदमी रहता है। समस्या के बारे में तो यही चाहते हैं कि कुछ और टीचर रहता तो अच्छा होता। कितने टीचरों का इसमें आवश्यकता? अभी तो 5 टीचर की आवश्यकता है। जी क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्लास में पढ़ाई हो और अनुशासन बने रहे। मैं इस गांव के जिम्मेदार महिला होने के नाते स्कूली व्यवस्था और बच्चों पर पड़ रहे बुरा प्रभाव पर काफ़ी मजबूत से सवाल करना चाहती हूँ कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या का बढ़ाया जाए। मैं आप लोग से अपील करती हूँ कि शिक्षा पदाधिकारी जिनका नाम है विजय कुमार वर्मा जिनका नंबर है 94182852 इस नंबर पर कॉल करके शिक्षकों की व्यवस्था के लिए दबाव बनाएँ। मैं तंजू पश्चिम चौरी बिहार से इंडिया नर्ड के लिए।